आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत इस समय इराक, सऊदी अरब, अमेरिका, जापान और ट्यूनिशिया जैसे देशों में चाय निर्यात के विकल्प तलाश रहा है। इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद चाय के नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। इनमें से कुछ देशों के खरीदारों के साथ वहां मौजूद डिप्लोमेटिक मिशन की मदद से वर्चुअल बैठकें भी कराई जा रही हैं। शेष देशों के साथ भी इस तरह की बैठकें कराने की योजना है। चाय के निर्यात पर यूक्रेन रूस युद्ध के असर से निपटने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति पर विचार कर रही है। इस तरीके से निर्यात केंद्रों के विस्तार से न सिर्फ मौजूदा संकट से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे भारतीय चाय को विश्व के हर कोने में पहुंचने में मदद भी मिलेगी। चाय बोर्ड ने पहले ही रूस और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल यानी कि CIS देशों को चाय निर्यात करने वाले दिग्गजों से बात की है, जिससे उनकी चिंता जानी जा सके और उन्हें मदद के तरीके निकाले जा सके। निर्यातकों ने चीन के क्विंगडाओ मार्ग के माध्यम से CIS देशों के साथ निर्यात बहाल करने की बात कही है, जिसका इस्तेमाल पहले होता था। रूस के सभी परंपरागत रास्ते रुके हुए हैं, जिसकी वजह से निर्यातकों ने चीन मार्ग की सलाह दी है। इस मार्ग का इस्तेमाल पहले बहुत होता था, लेकिन लॉजिस्टिक्स मसला आने के बाद इस्तेमाल बंद हो गया। बहरहाल यह स्थल मार्ग है और लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस मार्ग को पुनर्विकसित करने में भी वक्त लगेगा। दोनों देशों के बीच चल रही जंग का असर पड़ोसी देशों को होने वाले निर्यात पर पड़ रहा है। रूस आने व जाने वाले कार्गो की आवाजाही स्थगित हो गई है। युद्ध के कारण बंदरगाह बंद है, जिससे आवाजाही नहीं हो पा रही है और माल भाड़ा बढ़ गया है। वहीं चालू वित्त वर्ष की शुरुआती तिमाही में भारत ने $5,217.2 लाख के चाय का निर्यात किया है, जिसमें से 15% CIS देशों को गया है। इन CIS देशों में रूस और यूक्रेन ने 3/4 खरीद की है। विघटन के पहले USSR भारतीय चाय का बड़ा बाजार था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।